यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज भी मेरे प्यार भरे नमस्कार और हमारे इस यूट्यूब चैनल का आपका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक अपना चल रहा है सिंटैक्स, लेक्चर नंबर 8 अपने पास करना है, लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हमने 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं और जो बच्चे न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट जो हमारे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो जो भी नए बच्चे हैं आज, उनसे छोटा सा निवेदन है बेटा कि जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि फर्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स अपने स्टार्ट कर रखा है, इसके 7 लेक्चर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देख लें। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 9-10 लेक्चर हैं, 10-11 लेक्चर, तो 10-11 लेक्चर के अंदर टोटल मुझे 8 कंसेप्ट आपको पढ़ाने हैं, जिसमें से मैं 6 कंसेप्ट की बात 5 कंसेप्ट की बात कर चुका हूँ, 6 कंसेप्ट आज अपने पढ़ने वाले हैं। यानी कि लेक्चर नंबर 8 के साथ हमने कंसेप्ट नंबर 6 देखी गई। तो जो बच्चे मेरी रेगुलर क्लास ले रहे हैं या मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे मुझे जानते हैं पहले से, उनको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ कि पुराने लेक्चर को अब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चेक करें और जो आज का लेक्चर उसको अपने कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 8 के साथ में सिंटैक्स का लेक्चर देखते हैं क्या है। वो जो लास्ट कंसेप्ट के अंदर, कंसेप्ट नंबर लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 6 और 7, लेक्चर नंबर 6 के अंदर उन्होंने बात की थी कि वहाँ पे कुछ वर्ड की लिस्ट बनाई थी, फर्नीचर, ज्वेलरी, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, न्यूज, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, डैमेज, वेस्टेज, पोस्टर्स, टेपरी, कटलरी, उनके अंदर 5-6 अगर चेक की, एक तो उनकी स्पेलिंग चेंज नहीं करनी क्योंकि वो अनकाउंटेबल थे। अनकाउंटेबल से स्पेलिंग चेंज करने से मतलब मेरा ये है कि ना तो उनमें ऐसे आई एस जोड़ना है और ना ही ऐसे आई एस हटाना है, यानी उनका प्लूरल नहीं बन सकता क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता ही नहीं। अनकाउंटेबल का ना तो प्लूरल बना सकते, उसमें ऐसे जोड़ नहीं सकते, और अगर अनकाउंटेबल में ऐसे आई एस लगा हुआ है तो उसमें से अपने ऐसे आई एस हटा भी नहीं सकते। तो ये अपने लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता, उनमें ऐसे आई एस जोड़ते यानी कि प्लूरल नहीं बनता, तो उसमें रखेंगे उसको सिंगुलर में, तो वर्ब प्रोनाउन वहाँ पे सिंगुलर आएंगे और आर्टिकल एन वहाँ पे नहीं आ सकता था क्योंकि आर्टिकल एन की दो कंडीशन बताई कि आर्टिकल एन की दो कंडीशन होती है तभी आर्टिकल एन आ सकता है, उसके अलावा आर्टिकल एन नहीं लगा सकते। आर्टिकल एन बेटा कहाँ पे आता है? जब कोई चीज़ सिंगुलर है, पहली बात प्लूरल में नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल एन की हिंदी है एक, और आर्टिकल एन काउंटेबल में आता है, अनकाउंटेबल में नहीं आता क्योंकि एक का मतलब क्या है, काउंट कर पाए, 1, 2, 3, 4 काउंटेबल, तो आर्टिकल एन एक के लिए आता है यानी कि काउंटेबल के लिए आता है, अनकाउंटेबल में आर्टिकल एन नहीं लगा सकते। तो आर्टिकल एन की दो कंडीशन, काउंटेबल और सिंगुलर, दोनों पूरी होती हैं तो आर्टिकल एन लगा दो, और अगर दोनों में से एक भी अधूरी है तो आर्टिकल एन नहीं लगा सकते, तो आर्टिकल एन आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। दोनों में से एक भी कंडीशन अधूरी है तो आर्टिकल एन पक्का वहाँ पे नहीं आ सकता, और आर्टिकल एन की दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो वहाँ पे आर्टिकल एन लगा सकते। अगली बात बताइए चेक की कि अनकाउंटेबल में काउंट नहीं कर सकते, तो इनके साथ में जो फर्नीचर ज्वेलरी इंफॉर्मेशन वर्ड इनकी जो लिस्ट बनाई थी, इनके साथ में ऐसे इनके साथ काउंटेबल वर्ड नहीं लगते, काउंटेबल यानी कि कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, काउंटिंग वाली जो संख्या होती है वो इनके सामने नहीं आ सकती, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनती वाले नंबर इनके सामने नहीं आ सकते, 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर, 4 नॉलेज, 5 नॉलेज नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो उन्होंने वर्ड की लिस्ट बनाई थी उनके सामने काउंटिंग नंबर भी नहीं आते होते, यानी कि कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव भी नहीं आ सकते, तो ये उन्होंने चेक कर लिया उसमें। लेक्चर नंबर 7 के अंदर उन्होंने ये भी देखा कुछ वर्ड की लिस्ट बनाई तो सारे प्लूरल थे, प्लूरल में भी आर्टिकल एन नहीं आता, प्लूरल तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल लेंगे, प्लूरल के अंदर आर्टिकल एन लगा नहीं पाएंगे और उनके लिए जो प्रोनाउन लगाना है वो दे यूज करना है, ये लास्ट क्लास में बात की। लेक्चर नंबर जो अपना 8 है उसके अंदर अपने कॉमन बात कर रहे हैं कि ऐसे वर्ड की लिस्ट बनाएंगे जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ सकते हैं, यानी सिंगुलर में भी यूज कर सकते हो, प्लूरल में भी यूज कर सकते हो। ये जो लिस्ट बना रहा हूँ मैं वो है कलेक्टिव नाउन की, ये जो लिस्ट है बेटा ये कलेक्टिव नाउन की है, कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन, ग्रुप, ज्यूरी, कमेटी, कैबिनेट, टीम, ऑडियंस, काउंसिल, पार्लियामेंट, बोर्ड, फैमिली, क्लास, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन हैं। कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर में ले सकते हो, प्लूरल में ले सकते हो, डिपेंड करता है सेंटेंस के भावार्थ पे कि सेंटेंस किस सेंस में ले रहा है। सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई हिंट मिलेगी जिससे पता लगेगा कि वो सिंगुलर में आ सकता है और प्लूरल में भी आ सकता है, उसको आप सिंगुलर में ले सकते हो और प्लूरल में भी ले सकते हो। तो सेंटेंस की कंडीशन बताएगी आपको, सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई हिंट मिल जाएगी, ऐसा कोई वर्ड आ जाएगा जिससे पता लग जाएगा कि ये जो सेंटेंस है कलेक्टिव नाउन है, इसके अंदर उसको सिंगुलर में लेना है या प्लूरल में लेना है। तो कलेक्टिव नाउन में जो लिस्ट है ये बेटा,
इसको सिंगुलर में प्लूरल में दोनों में ले सकते हो। तो चेक करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के अंदर कि वो सिंगुलर में ले रहा है प्लूरल में ले रहा है, वहाँ पे मैंने कोई हिंट मिलने वाली है। मेन चेक करना पहले जूरी का मतलब होता है जजेस का ग्रुप, कमेटी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर्स, कैबिनेट मंत्रालय, टीम खिलाड़ी की टीम होती है प्लेयर्स की, ऑडियंस दर्शक होते हैं, स्पेक्टेटर्स ऑन लुकर है ना, दर्शक होते हैं, जैसे आप दर्शक हो है ना देख रहे हो लेक्चर। पार्लियामेंट आपको पता ही मंत्रालय, ये काउंसिल आयोग वगैरह हो गए, बोर्ड यानी कि बैठक बैठती है बोर्ड में, तो वो बोर्ड हो गए उसमें काफ़ी सारे मेंबर हो जाते हैं कलेक्टिव नाउन एक। उसके बाद में फैमिली मेंबर में काफ़ी सारे परिवार में सदस्य, फैमिली एक ग्रुप हो गया कलेक्शन। तो क्लास में स्टूडेंट हैं तो एक कलेक्शन हो गया। तो इसमें इनके साथ जो अर्थ चेक करनी है बेटा, वो चेक करनी है ये सिंगल में प्लूरल में, बेटा ये सिंगल में भी आ सकते हैं और ये प्लूरल में भी आ सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड सिंगल में भी आ सकते हैं, प्लूरल भी आ सकते हैं। सिंगल में तो आएंगे जब ये यूनिटी में काम करें, और प्लूरल में तो आएंगे जब ये डिवाइड हो जाए। मैंने क्या बोला कि सेंटेंस के अंदर हिंट मिलेगी, इसको सिंगुलर में लेना प्लूरल में लेना है। सिंगुलर में तब लेंगे बेटा जब ये सारे यूनिटी में काम करें, यानी कि जितने भी आपने कलेक्टर नाम लिखे हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो सारे के सारे अगर यूनिटी में काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, कलेक्शन में काम करते हैं, एकता के साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो वो कलेक्टर नाम है सिंगुलर में, यानी इसको यूनिटी के अकॉर्डिंग सिंगुलर में लेना है। वहाँ पे वर्ब नाउन सिंगुलर आएगी, तो सेंटेंस में ये आपके नाउन है, सब्जेक्ट में आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्रोनाउन चेंज होगी, तो दो एरर मिल सकती हैं, या तो वर्ब की या प्रोनाउन की। तो जो वर्ब प्रोनाउन आएंगे बेटा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, कि अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर में आएंगे, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल में आएंगे। ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन आपको चेक करने पड़ेंगे, सेंटेंस के अंदर आ रहा है तो वो सिंगुलर में प्लूरल में आ रहा है। तो सेंटेंस के अंदर हिंट मिलेगी यूनिटी की या डिवाइड होने की। डिवाइड मतलब सारी चीज़ें अलग अलग हो रही हैं, मतभेद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, डिवाइड हो रहा है, डाइवर्जन आ रहा है, वहाँ पे सब मतभेद होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात जिसमें अलगाव आ जाए, सेपरेशन आ जाए, टूटना आ जाए, डिवाइडेशन आ जाए, तो वहाँ पे ये सारे के सारे नाउन अपने साथ में वर्ब नाउन प्लूरल ले लेंगे। तो हिंट बता ये है कि अगर यूनिटी में काम कर रहे हैं तो सिंगुलर में लेना है, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो प्लूरल में लेना है। तो मैंने लिख दिया सिंगुलर में कब आएगा, जब यूनिटी में काम करे, प्लूरल में तब आएगा जब ये डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर चेक करते हैं, द जूरी इज सिंगल माइंडेड ऑन देयर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट बेटा डिसीजन ही होता है, वर्डिक्ट बोल दो डिसीजन बोल दो बात एक ही है, यानी कि निर्णय। वर्डिक्ट या डिसीजन यानी कि निर्णय। द जूरी इज सिंगल माइंडेड ऑन देयर वर्डिक्ट, और दूसरा है द जूरी इज डाइवर्स माइंडेड ऑन देयर डिसीजन। बच्चों जूरी के अंदर प्रेजेंट में 33+1 33 जूरी है और एक सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत का, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे 33 तो जूरी है और 33 तो जूरी है एंड 1 सीजीआई है, मुख्य न्यायाधीश। ये सबका अगर मत एक ही है, सबका माइंड एक ही बात कर रहा है तो सिंगुलर। अगर सबका मत अलग अलग बात कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई किसी मुद्दे को लेकर आ रहा है, कोई किसी मुद्दे को लेकर आ रहा है, तो वो सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो जब ये इकट्ठे काम कर रहे हैं, देखो सेंटेंस के अंदर हिंट मिल रही है, सिंगल माइंडेड डाइवर्स माइंडेड। सेंटेंस के अंदर हिंट मिलेगी, यहाँ पे लिख रहा है सिंगल माइंडेड, यहाँ पे लिख रहा है डाइवर्स माइंडेड। सिंगल माइंडेड है मतलब सिंगुलर में, डाइवर्स माइंडेड है मतलब प्लूरल में। कहता है कि जो जूरी होती है, जज होते हैं 33, वो क्या करते हैं, सिंगल माइंडेड है अपने निर्णय में, यानी सबका निर्णय जो डिसीजन है वो एक ही है। और इसके अंदर दूसरे वाले में कह रहे हैं कि अलग अलग है, क्योंकि सबका मत अलग अलग आ रहा है, डाइवर्स माइंडेड है, अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो पहले सेंटेंस के अंदर सिंगुलर लेना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इज आएगा, पहले वाले में सिंगुलर लेना इज आएगा, वर्ब प्रोनाउन भी सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे देर की जगह पे इट्स कर लोगे, देर की जगह पे इट्स कर लोगे, देर की जगह पे इट्स आ जाएगा। सेकंड वाले में अलग अलग बात कर रहा है, यानी कि प्लूरल में है, तो इट्स की जगह पे आर प्लूरल, क्योंकि अलग अलग बातें हो रही है, सबका डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होती है प्लूरल लेना है। तो सेकंड वाले में जो देर है वो देर रहेगी, तो वर्ब प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल, पहले वाले में वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर, दोनों चीज़ें सिंगुलर आ गई और दूसरे दोनों चीज़ें प्लूरल आ गई। तो ये तो हो गया अपने दो सेंटेंस। अब तीसरा सेंटेंस चेक करते हैं, द टीम हैज टेकन देयर पोजीशन फॉर फील्डिंग। टीम ने अपनी पोजीशन फील्डिंग के लिए ग्रहण कर ली। टीम ने अगर फील्डिंग के लिए पोजीशन लिया, तो बेटा अपने जानते हैं कि फील्डिंग के लिए
की जो पोजीशन ली जा रही है वो अलग अलग ली जा रही होगी, पोजीशन जो ली जा रही है वो अलग अलग ली जा रही होगी अलग अलग। तो इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं भाई, ठीक है। तो टीम ने अपनी जो पोजीशन ली है फील्डिंग के लिए बेटा वो अलग अलग ली है, तो अलग ले रहे हैं मतलब प्लूरल ले रहे हैं, क्योंकि देखो टॉस करते हैं, एक की बारी आती है बैटिंग की और दूसरी टीम की बारी आती है फील्डिंग की। अब जो पोजीशन फील्डिंग की ले रही है टीम, वो टीम फील्डिंग के लिए जो पोजीशन लेती है ऐसा है नहीं कि फील्डिंग एक ही जगह खड़े होकर कर रहे हैं, सारी टीम अलग अलग जगह जाएगी, कोई लेग में जाएगा, कोई बाउंड्री पर जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई पास में खड़ा होगा, तो सबकी पोजीशन अलग अलग। जैसे ही टीम बिखरी सारे अलग अलग हुए तो मतलब वो प्लूरल में आ गया, तो मतलब ये होगा कि थर्ड सेकंड जो है प्लूरल में आना चाहिए, यहाँ पे हैज की जगह पे हैव करोगे, हैज शुड बी रिप्लेस्ड बाय हैव, और यहाँ पर जो देर है ये प्लूरल ऑलरेडी है, इसको सेकंड जो है क्योंकि देर पर इसे प्लूरल दिख रहा है, देर का देर आ जाएगा, तो ये होगा अपना थर्ड सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस में चलते हैं, द ऑडियंस हैव टेकन इट्स पोजीशन फॉर फील्डिंग, बट ऑडियंस हैव टेकन इट्स पोजीशन इन द सिनेमा लिख रहे हैं। देखिए द ऑडियंस हैव टेकन इट्स पोजीशन इन द सिनेमा, सिनेमा के अंदर जो ऑडियंस है दर्शक है उन्होंने अपनी सीट ग्रहण की है, अपनी पोजीशन ग्रहण की है, अपनी सीट सीट ले ली है, पोजीशन यूज है सीट। तो ऑडियंस ने अपने सिनेमा के अंदर जो है वो सीट ग्रहण की है, वो कैसे ग्रहण की है, तो सिग्नल में लेना है ब्लू रूम में लेना है, बात चेक करना पड़ेगा। देखिए ये जो दर्शक होते हैं ये अगर बैठ रहे तो बेटा ये अपनी अलग अलग जगह पर बैठे, दर्शक सीट पर बैठे तो अलग जगह बैठे हैं, अब क्लास में बच्चे बैठते तो भी अलग सीट पर बैठते हैं। सिनेमा के अंदर जो आते हैं मूवी देखने सिनेमा में थिएटर में, तो सारे दर्शक अपनी अलग जगह बैठते हैं, सुनने ये जगह बैठेंगे, तो ऐसा नहीं कि एक ही सीट लगाई हो सिनेमा में और उसी सीट के ऊपर सारे बैठा दिए, तो फिर तो वो बिल्डिंग जो है खुली बनाने के बजाय थिएटर को ऑडिटोरियम को खुला बनाने के बजाय एक बुर्ज खलीफा की तरह ऊंचाई बना दिया जाए। तो एक ही सीट पर सारे नहीं बैठते, अलग अलग जगह बैठते हैं, अलग अलग जगह बैठने का मतलब है कि सीट ज़्यादा चाहिए, इसी कारण सिनेमा में एक सीट नहीं होती, सीटें ज़्यादा होती हैं। तो सीट को पहली बार तो सीट्स कर देते हैं, सीट्स ज़्यादा चाहिए एक नहीं चाहिए, सीट्स कर दिया हमने ऐसे लगा दिया सीट में, प्लूरल चाहिए मतलब प्लूरल लेना है, ये जो इट्स है ये सिंगुलर है प्लूरल चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे देर, तो यहाँ पे भी इट्स की जगह पे देर आ जाएगा। कुल मिला के अपने चार सौ से हम चेक कर लिए। बट एक छोटी सी निवेदन है, जो बच्चे अपने इस लेक्चर को देख रहे हैं डाउनलोड कर रहे हो या डायरेक्ट देख रहे हो यूट्यूब पे, तो बेटा नीचे जो मैंने चार सौ दिए हैं सेंटेंस नंबर 5678, सेंटेंस नंबर 5678, ये सेंटेंस आपको खुद से पहले कोशिश करनी है, बाद में यूट्यूब पे समझना है इसको, क्योंकि पूरी बात समझ में आ चुकी है कि ये कलेक्टिव नाउन है, इनको सिंगल भी ले सकते हैं प्लूरल भी ले सकते हैं, उसको मैंने बेस्ड आपको चार सौ समझा दिए, चार आप खुद करने की कोशिश करो बेटा। तो एक काम करना स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वीडियो को पॉज कर लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लेना, ये चार सौ लिख के बेटा खुद करने की कोशिश करना, क्योंकि रिकॉर्ड है कि चार सौ जब मैं क्लास में ऑफलाइन करवाता हूँ तो 100% सही कोई नहीं बताता, 100% सही कोई नहीं बताता, क्योंकि छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। कंडीशन ये है कि एक सेंटेंस के अंदर यहाँ पे कम से कम चार अरर, एक सेंटेंस में कम से कम चार अरर है और ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी कम से कम एक एरर है और ज़्यादा से ज़्यादा चार अरर, एक सेंटेंस में कम से कम एक एरर और ज़्यादा से ज़्यादा चार एरर है, कुल मिला के यहाँ पे चारों सेंटेंस मिलाया जाए तो कम से कम चार और ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकती है। और वो गलती नाउन की है, वर्ब की है, प्रोनाउन की है, आर्टिकल की है, कोई भी गलती हो सकती है बेटा, लेकिन मैंने जो चीज़ें एरर दी हैं आज इसमें वो सारी एरर मैं समझा चुका हूँ, पहले अपने पढ़ चुके हैं, तो आज तक के जितने भी 7 लेक्चर हो चुके हैं अगर आपने ढंग से देखे हैं ढंग से समझे हैं, तो जो बच्चा कोशिश करेगा उसके चारों सेंटेंस सही हो जाएंगे। उसके बावजूद भी बेटा आज तक का रिकॉर्ड है कि चारों सेंटेंस कम्प्लीटली 100% आज तक कोई सही नहीं कर पाया, कोई 3 सही कर देता है, कोई 3.5 सही कर देता है, कोई 2.5 सेंटेंस सही कर देता है, कोई 2 सेंटेंस सही कर देता है, लेकिन चारों 100% ये सेंटेंस कोई सही नहीं कर पाया बेटा आज तक। तो खैर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करते रहें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ अभी। तो चेक करते हैं चारों सेंटेंस में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये द टीम वांट्स अ न्यू बैट फॉर इट्स सेल्फ, देखिए ये जो होता है ना ही शी इट और दे, ही शी इट और दे, बेटा ही शी इट तो सिंगुलर है मतलब वह,
ही शी इट सिंगुलर है यानी कि वह, और जो ये दे है दे, ये होता है प्लूरल यानी कि वे, दे होता है प्लूरल यानी कि वे। अब ही का मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनानी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ही की होती है हिमसेल्फ, शी की होती है हरसेल्फ, इट की होती है इटसेल्फ, और दे की होती है देमसेल्फ, देमसेल्फ्स, देमसेल्फ्स। बच्चों सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स होता है, सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स होता है, ठीक उसी तरीके से वाइफ का प्लूरल वाइव्स होता है। एक ही बोलता है वैसे तो प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही नहीं झेलती, एक ही झेलने मुश्किल है खून पे जाती है, तो वाइफ का प्लूरल वाइव्स होता है। अच्छा एक होता है नाइफ, इसका प्लूरल नाइफ होता है, नाइफ के नाइफ चाकू। ऐसे बोलते हैं मीडिया, इसका प्लूरल वॉल्वर्स होता है। मतलब ये हुआ कि जिसके लास्ट में एफ या एफ ई है उसका प्लूरल वी ई एस बनाओगे, जिसके लास्ट में एफ या एफ ई है उसका प्लूरल वी ई एस बनाओगे, तो वी एस उसका प्लूरल बनता है वी ई एस, एफ या एफ ई का प्लूरल वी ई एस बनता है वी। जैसे सन का सर्वस, वाइफ का वाइफ, नाइफ का नाइफ, जो वॉल्व का वॉल्वर्स, एफ या एफ ई का वी ई एस बनता है ना, तो जिस क्लास में एफ या एफ ई है उसका प्लूरल बनाने के लिए वी एस में हम चेंज करते हैं उसको। बेटा अगर मैं ये बोलूं कि हिम सर्वस, हर सर्वस, इट्स सर्वस और देम सर्व, तो बेटा इंग्लिश के अंदर ये वर्ड ही नहीं होते, इंग्लिश के अंदर ये वर्ड ही नहीं होते, क्योंकि बेटा अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में रखोगे सेल्फ को भी उसका प्लूरल नहीं बना सकते। अब सी सिंगुलर था तो सिंगुलर रखा हर सेल्फ, इट सिंगुलर था तो इट का इट सेल्फ रखा सिंगुलर, देन प्लूरल था, दे प्लूरल था तो उसका देन सेल्फ उस प्लूरल आ गया, प्लूरल है तो प्लूरल बनाओ, सिंगुलर है तो सिंगुलर रखो उसको। अब यहाँ पे सिंगुलर होता तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता सेल्फ, गड़बड़ हो जाएगी। इंग्लिश के अंदर बेटा ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, हर सेल्फ का हर सेल्फ नहीं होता, इट सेल्फ का इट सेल्फ नहीं होता, और देम सेल्फ का देम सेल्फ नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ऐसे कोई वर्ड नहीं होते, जो सिंगुलर उसको सिंगुलर में रखोगे और जो प्लूरल उसको प्लूरल में रखोगे, तो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन वो बेटा क्रॉस मैंने गलत कर दिया उसको, वो गलत है, वो नहीं हो सकता। तो ये मैंने क्यों सोचा बेटा, क्योंकि हमें मैंने शायद वो गड़बड़ की है। अब यहाँ पे सेंटेंस में चेक करते हैं बेटा, देखिए द टीम वांट्स अ न्यू बैट फॉर इटसेल्फ, टीम को नया बैट चाहिए। अब टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं सबको अपना बैट अलग अलग मिलता है, एक नहीं मिलता, सबके पास अपने अलग अलग बैट होते हैं बेटा, तो बैट जब अलग अलग होते हैं तो मतलब प्लूरल, एक बैट से सारे नहीं खेलते अपने तरह जुगाड़ करके कि एक आदमी बैट का जुगाड़ कर रहा है, कभी बॉल का जुगाड़ कर रहा है और खेल रहे हैं, वहाँ पे सबके पास बैट अलग अलग होते हैं, अलग अलग बैट होते हैं मतलब प्लूरल, तो सेंटेंस पहले आएगा प्लूरल में। तो पहली बात तो ये, जो बैट होता है बैट वो प्लूरल में आएगा, और प्लूरल में इसको बैट्स कहना पड़ेगा। अपने जानते हैं कि नाउन के अंदर ऐसे ये जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेगा, जिसको नहीं पता बेटा मेरे पुराने लेक्चर चेक करो, सिंटैक्स के साथ लेक्चर पढ़ो पता लग जाएगा, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में पता लग जाएगी चीज़। तो मैं कह रहा हूँ बैट का अगर बैट्स कर दें यानी कि नाउन में ऐसे ये जोड़ दो तो नाउन प्लूरल बन जाती है, और बैट्स ज़्यादा चाहिए प्लूरल लेना पड़ेगा, और प्लूरल में आर्टिकल ए नहीं आ सकता, प्लूरल में आर्टिकल ए नहीं आ सकता, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। और बेटा वर्ब के अंदर ऐसे ये जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनती है, अपने को चाहिए प्लूरल ये सेंटेंस, तो वर्ब जो है इसमें से ऐसे आओ ताकि ये प्लूरल हो जाए, क्योंकि वर्ब के अंदर ऐसे ये जोड़ोगे वो सिंगुलर बन जाएगा, ऐसे मैंने ऐसे कहा दिया। द टीम वांट न्यू बैट्स फॉर, अभी प्लूरल चाहिए भाई, इट सर्वस इंग्लिश के अंदर कोई वर्ड नहीं होता, इट का सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल तो देम, और देम का मतलब देम सर्वस, तो मुझे प्लूरल चाहिए तो देम सर्वस होना पड़ेगा, इसकी जगह क्या है देम सर्वस। समझते रहना बात अच्छे से। अगर चलता टीम को नया कोच चाहिए, कोच बेटा कोच यानी कि ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, टीचर, पूरी टीम पे, पूरे स्टूडेंट पे, पूरी ट्रेन टीम के लिए जो कोच चाहिए वो एक ही चाहिए, पूरी टीम को एक ही ट्रेनर ट्रेन करेगा, एक ही कोच कोचिंग देगा, एक ही टीचर टीचिंग करेगा, एक ही इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शंस देगा, तो एक ही चाहिए बेटा, वो एक ही यानी कि सिंगुलर चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोच जो है वो सिंगुलर, उसको सिंगुलर रखना, कोचेस मत कर देना, कोचेस कोचेस नहीं करेंगे बेटा, ऐसे इसमें नहीं जोड़ेंगे इसमें। अच्छा नहीं जोड़ेंगे तो ये पहले चेक करो काउंटेबल है या प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो कोच को नहीं काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, सिंगुलर चाहिए सिंगुलर भी है,
जब कुछ चीज़ काउंटेबल भी होती है सिंगुलर भी होती है, दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो आर्टिकल एन पक्का आ सकता है, आर्टिकल एन पक्का आ सकता है बेटा। तो आर्टिकल एन कौन सा कोच रहेगा, आर्टिकल एन हटा मत देना। जब कुछ सिंगुलर हो और काउंटेबल भी हो आर्टिकल एन लगा दो, आपको पूरी इंग्लिश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बेटा कोई रोक नहीं सकता। तो आर्टिकल एन पक्का है। वर्ब सिंगुलर चाहिए ऐसे आई एस जोड़ दो, वर्ब के अंदर ऐसे आई एस जोड़ोगे बेटा वो सिंगुलर हो जाएगी, ऐसे आई एस जोड़ोगे तो सिंगुलर हो जाएगी। और आगे प्रोनाउन सिंगुलर चाहिए, ये सब सिंगुलर है ही, सही सिंगुलर बेटा वो इटसेल्फ सिंगुलर। अगला वाला चैप्टर है टेक नोट्स ऑन योर आउटफिट फॉर डांसर्स। अब टीम को नया आउटफिट चाहिए, आउटफिट होती है बेटा ड्रेस कॉस्ट्यूम। खिलाड़ी की ड्रेस क्या है, एक लोअर टी शर्ट है, शूज है, सॉक्स है ना, ऊपर हेलमेट है या ग्लव्स हैं या लेग गार्ड है ताकि चोट ना आए, बॉल ना लगे उसके, तो पूरी एक ड्रेस है। अब एक ही ड्रेस के अंदर सारे खिलाड़ी नहीं घुसते, सबको अपनी अलग ड्रेस चाहिए, एक ही ड्रेस को सारे खिलाड़ी नहीं पहन लेते, सारे खिलाड़ी अलग ड्रेस पहनते हैं, तो मतलब प्लूरल। और ड्रेस तो वैसे भी प्लूरल होती हैं, है ना, शर्ट्स प्लूरल, कंसेप्ट नंबर 7 में चेक किया, पैंट्स प्लूरल, पैजामाज प्लूरल, प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी वैसे भी यहाँ पे, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे प्लूरल में लेना है। और आउटफिट पहले से प्लूरल, दोबारा प्लूरल नहीं बनाते। और जैसे यहाँ पे तो मैंने प्लूरल बना दिया, ऐसा लगा दिया, यहाँ पे क्यों लगा सकते बेटा, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। जैसे पीपल का पीपल्स नहीं बोलते, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं बोलते, क्योंकि चाइल्ड एक चिल्ड्रन ज़्यादा, पुलिस का प्लूरल नहीं बनता। ऐसे कंसेप्ट नंबर 7 के अंदर बहुत सारी लिस्ट बनाई जिसमें ऐसे आईएस नहीं जोड़ते क्योंकि वो पहले से प्लूरल था, ये भी पहले से प्लूरल है, ऐसे आईएस मत जोड़ना। और प्लूरल के अंदर आर्टिकल ए नहीं आ सकता, प्लूरल के अंदर बेटा आउटफिट के अंदर आर्टिकल ए नहीं आ सकता क्योंकि वो प्लूरल है। और दूसरी बात ये कि वर्ब सिंगुलर नहीं चाहिए, प्लूरल चाहिए, यहाँ से भी ऐसे आना पड़ेगा। प्लूरल चाहिए तो देम सेल्फ इंग्लिश के अंदर कोई प्लूरल वर्ड नहीं होता, देम सेल्फ इंग्लिश के अंदर वर्ड ही नहीं होता बेटा, तो देम सेल्फ का देम सेल्वस करना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल बनाना पड़ेगा, प्लूरल है तो प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो देम सेल्फ का देम सेल्वस करेंगे टाइम पे। अभी ये बात बेटा अगली बात से करते हैं। देखो टीम वांट अ न्यू स्टेडियम, टीम को नया स्टेडियम चाहिए। अब स्टेडियम बेटा सबको एक ही चाहिए होता है, ऐसे नहीं कि 11 खिलाड़ी तो 11 स्टेडियम, एक स्टेडियम के अंदर एक ही खिलाड़ी खेलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो एक ही स्टेडियम के अंदर सारे खिलाड़ी खेलते हैं, दोनों टीम खेलती हैं, तो स्टेडियम एक ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेडियम को स्टेडियम रखेंगे, इसमें ऐसा मत लगा देना स्टेडियम से कर देना, अगर आप स्टेडियम से करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टेडियम होना चाहिए, स्टेडियम से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि ये सिंगुलर है जिसका मतलब आर्टिकल ए आ सकता है। अच्छा आर्टिकल ए की दो कंडीशन है, दोनों चेक करना, आर्टिकल ए या तो सिंगुलर में आता है या काउंटेबल में आता है। स्टेडियम काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो आर्टिकल ए का लगाओ, आपको रोक नहीं पाएगा, लगा दिया। अब इसमें वर्ब सिंगुलर चाहिए तो वर्ब के अंदर ऐसे जोड़ो ताकि वो सिंगुलर हो जाए, क्योंकि वर्ब के अंदर ऐसे आई है जोड़ने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। अब टीम यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रोनाउन अपने को सिंगुलर चाहिए, तो देन सेल्फ तो प्लूरल है, यहाँ पे आएगा इटसेल्फ, सिंगुलर लेना है इटसेल्फ। तो ठीक है बेटा, ये थी अपना कंसेप्ट नंबर 6 और लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9 और कंसेप्ट नंबर 7 अगली क्लास में देखेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और फुल शेयर करो बेटा, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनके काम आ पाए। जहाँ से जो मिलता है सीख लो, छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।